मुख्यमंत्री ये शब्द ही इतना असरदार है कि बड़े बड़े नतमस्तक हो जाएं। लेकिन इन दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़े टेंशन में हैं। उनका एक एक पल बमुश्किल बीत रहा है। एक एक विधायक को समझा बुझाकर उन्हें किसी तरह से जयपुर से जैसलमेर लेकर गए हैं, जहां के सबसे आलीशान सूर्यगढ़ होटल में बड़े ही ठाट से रखा है ताकि साथ छूटने ना पाए। लेकिन अशोक गहलोत की इस मुश्किल को बड़ी परेशानी में तब्दील करने के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने गहलोत के खिलाफ सियासी बदले का बिगुल फूंक दिया है। मायावती ने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए गहलोत की सरकार को तो गिराकर ही दम लेंगी। अपनी जिद के चलते मायावती ने राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनकी पार्टी से कांग्रेस में जाने वाले 6 विधायकों के विलय के खिलाफ स्थगन आदेश जारी किया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बीएसपी की इस याचिका को फिर से सिंगल बेंच के पास वापस भेज दिया है, जिस पर अब सिंगल बेंच ही 11 अगस्त को सुनवाई करेगी। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। कांग्रेस की तरफ से माननीय कपिल सिब्बल और सलमान थोसी साहब थे वीसी के थ्रू, बीएसपी की तरफ से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सत्यचंद मिश्रा लखनऊ से जुड़े थे और मदन दिलावर जी की तरफ से श्री हरीश सालवे लंदन से जुड़े थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने ये धारित किया कि चूंकि तामील एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस पर और अभी तक जो कि प्राइवेट पार्टीज हैं, जो 6 एमएलए हैं वो बाड़ेबंदी में, तो उनको तामील नहीं हुई है। तो हमने एक्सपर्टी के स्टे के लिए मांग की थी, लेकिन वो न्यायालय ने उस पर अभी कोई तुरंत आदेश पारित नहीं किया। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती के डिवीजन बेंच में बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर की अपील पर सुनवाई चल रही थी। उन्होंने इस अपील को निस्तारित करते हुए जैसलमेर के डीजे को निर्देश दिया कि हाई कोर्ट से भेजे गए स्पेशल मैसेंजर के जरिए बीएसपी के सभी 6 विधायकों को 8 अगस्त तक नोटिस तामील करवाएं। साथ ही उन्होंने फैसले में सिंगल बेंच से कहा कि वो 11 अगस्त को स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड कर दें, यानी इतना तो तय है कि 11 तारीख को किसी एक पक्ष की हार होनी ही है और जिसके खिलाफ फैसला आएगा उसका सुप्रीम कोर्ट में भी जाना तय है। अब ऐसी सूरत में या तो सुप्रीम कोर्ट 14 अगस्त से पहले अपना फैसला सुना देगी या गहलोत को सत्र बुलाने के लिए 14 अगस्त के बजाय कोई और तारीख दी जा सकती है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और कोर्ट रूम में आज क्या क्या हुआ? देखिए, पूरे रूप से कि जुडिशरी द्वारा एक इंटरजेक्शन किया जा रहा है, स्पीकर की जो पावर्स हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो कार्रवाई होती है उसका हस्तक्षेप है। और आप ये देखें कि एकल पीठ के समक्ष जब मामला लंबित है तो आपने खंडपीठ के समक्ष ये अपील पेश की है 134 रूल के तहत, और वो रूल खुद प्रेस्क्राइब करता है कि फाइनल ऑर्डर के खिलाफ ही, फाइनल जजमेंट के खिलाफ अपील आती है। तो बड़े हास्यास्पद तरह से अपील लगाई गई है, उस पर सुनवाई हो रही है और ये दलीलें पेश की गई कि अपील मेंटेनेबल नहीं है, राजस्थान उच्च न्यायालय की नजीरें। यानी अब गहलोत की कुर्सी के चारों पाए कब तक सही सलामत रहेंगे ये या तो हाई कोर्ट तय करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी मुहर लगाएगा। तब तक सीएम साहब का लोड लेना लाजमी भी है, क्योंकि ये लड़ाई अब सरकार बचाने तक ही सीमित नहीं रह गई। अब सवाल उस सियासी साख का भी है जिसे बनाने में गहलोत ने अपनी सारी जिंदगी खपाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।